हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी 4 बजने वाले हैं, मतलब 4:30 हो गए हैं। तो क्या है, बहुत जगह पे 2 दिन राखी मन रहा है और राखी व्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग से भी की हूँ, तो मॉर्निंग से इंट्रो शूट नहीं की थी क्योंकि ऐसे ही घर का काम होता है, गेस्ट आते हैं बहुत सारे लोग। तो सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले राखी बांधने की तैयारी हो रही है, प्रिपेयरिंग हो रही है, थाली सजाई जा रही है। तो यहाँ पे थाली में जो भी कुछ रहते हैं, टीका, राखी, अक्षत, दीप, वही सब रखा। राखी फिक रहा है गली में, माचिस इधर कर लेंगे। आप उस पर बैठ जाओ, नैतिक के बगल में। हाँ, मैम की तरफ मुड़ो। ये कुर्ता पहन के लग रहा है जैसे नैतिक बड़ा हो गया काफी। अभी इसको कौन सा राखी पसंद आया वो पूछ रही है यहाँ पे। तो वो गणेश जी वाला बहुत सुंदर राखी था, वो उसको पसंद आया तो वही बनवाया। और पूरे दिन कुर्ता पहन के तैयार होके रहा। रक्षाबंधन इसे बहुत ज़्यादा पसंद है और जितना राखी बंधा एकदम खुश हो रहा था कि हाँ मेरा हाथ भर रहा है पूरा। खा लिया, खुद भी खिलाओ। हाँ, क्या करोगे उसका? दोगे? दो। अब मेरे हस्बैंड बनवा रहे राखी। तो उनकी बहन क्या है, बिहार में रहती हैं तो आ नहीं पाती है यहाँ पे, तो इस वजह से यही बांध देती हैं। और एक और मेरी फ्रेंड है, देखना आप आगे वीडियो में, वो भी बांधती हैं। तो बहन तो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है खून का रिश्ता ही इम्पोर्टेंट है। तो वही नैतिक देख रहा है। और मिठाई चाहिए था नैतिक, उसमें से तो अब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। जो पहले एक दिन पहले आते हैं तो उनके लिए एक दिन पहले ही खाना बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन भी, दो दो दिन राखी मन रहा है। तो इस तरह से बना रही हूँ मैं सुबह सुबह जल्दी। तो क्या होता है, किसी भी फेस्टिव में खीर बनता है, पूरी बनता है, सब्जी बनता है, वेज खाना ही, तो वेज में सबसे अच्छा रहता है पनीर, फटाफट बना लो। तो यहाँ पर ऑयल में आपको सबसे पहले इस तरह से आप बना के देखना, लहसुन डाली हूँ एंड हरी मिर्च डाली हूँ, उस जो खाते हैं लहसुन। इसके बाद अनियन बड़ा बड़ा सा चॉप करके आपको एंड डालना है, इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है उसे, लाइट बिल्कुल हल्का हल्का सा। इसके बाद जो बहुत सारा टमाटो दी थी वो भी इसमें डाल देना है, उसे भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है एंड निकाल लेना है। उसे निकाल करके देखो यहाँ पर ठंडा करके फिर मिक्सी के जार में ग्राइंड करके, इसके बाद यहाँ पर मैं अदरक भी डाली थी उसमें, तो अदरक भी डाल लेना आप। इसके बाद खड़े मसाले जो भी, इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च, ये सब डाल दी हूँ। इसके बाद जो ये पेस्ट बनाई थी इसे मैं डालूँगी, इसे थोड़ा सा भूनने दूँगी, थोड़ा ऑयल निकलने दूँगी, वैसे तो भुना ही है ये, फिर भी कितना अच्छा कलर है। इसके बाद ये मटर का मसाला मिलता है, आपके इधर मिलता है कि नहीं, मनन मसाला बोलते हैं, तो इसे पूरा एक पैकेट डालूँगी, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो भुनने के बाद ये मसाला डाल के एंड इसके बाद डाली, थोड़ा सा मटर भी डाली हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मटर पसंद है, मटर पनीर ही बोलता है उसको, मतलब मटर डल गया तभी टेस्ट अच्छा आएगा। तो वही, इसके बाद कैप्सिकम अनियन था उसे मैं थोड़ा सा फ्राई करके रखी थी पहले ही। और पनीर को मैं कैसे डालती हूँ, घी में फ्राई कर लेती हूँ और पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि टेस्ट थोड़ा सा मतलब अच्छा आए। तो वही जब बन गया है, ये हो गया, तो इसके बाद पनीर यहाँ पे डाल दे रही हूँ। पनीर डाल के थोड़ा देर, मतलब 1 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शनल है ये अमूल का क्रीम मैं यहाँ पे डालती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बच्चे हैं आपके घर में तो वो बहुत मन से पनीर का सब्ज़ी खाते हैं क्योंकि थोड़ा तीखापन कम हो जाता है और मुझे भी पसंद है, मैं अभी तो मतलब मुझे भी तीखा लगता है सब्ज़ी। तो इस तरह से अमूल क्रीम डाल दी हूँ, अब नैतिक को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब ऐसे सब्ज़ी का कलर भी देखना एकदम चेंज हो जाता है, रेस्टोरेंट जैसा मतलब एकदम टेस्ट आने लग जाता है। और थोड़ा सा कढ़ाई को इग्नोर करना क्योंकि इस वजह से मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ,
इसमें चिपकता नहीं है, और सुबह सुबह मेरे गैस पे दूध गिर गया था, पूरा दिख रहा है। तो चलता रहता है थोड़ा सा, अकेली हूँ, फटाफट करना होता है। और खाने में मैं खाना बनाने में कोई प्रो नहीं हूँ, बिगनर सी हूँ। हमेशा किचन में रहती हूँ क्योंकि उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मटर पनीर तैयार हो गया, खीर तैयार हो गया, पूरी बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे कोई और खा रहे थे, तो वो तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता खाना खाते हुए, कुछ भी करते। थोड़ा बहुत जो राखी वाखी बांधने का है वो सब क्लिप शूट हुआ, जितना हो पाया उतना मैं कोशिश की, सबका नहीं हो पाया क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भाई सब खाना खा रहा है अपना, घर के अभी लोग। हम जा रहे हैं, हम लोग तो 11 को ही कर रहे हैं, कुछ 11 को भी कर रहे हैं, कुछ 12 को भी कर रहे हैं। मम्मी बोल रही है कि भाई को कल बांधना, तो मैं कल बांधूंगी। और नैतिक की जो भी बहन है वो सब आज ही मना रहे हैं, तो नैतिक एक से तो बंधवा भी लिया, और एक के पास अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी दूर पे है, तो मैं मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं क्योंकि पिछली बार वही आए थे, तो हम लोग सोचे कि इस बार हम चलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन कर रहे थे, बुला रहे थे, तो जाना तो था। और नैतिक नहीं ले गए थे तब से, नैतिक सैड होके एकदम लेटा हुआ था तैयार होके। और व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद हम मॉल आए थे क्योंकि ड्रेस लेना था नैतिक की बहन के लिए। तो यहाँ पे नैतिक आगे आगे एकदम स्पीड में फुर्तीला बच्चा बन के चल रहा है। वैसे कभी भी आप देखे होंगे इतना मतलब एक्साइटेड नहीं रहता है कहीं भी शॉपिंग के लिए, या बर्थडे शॉपिंग के लिए भी नहीं एक्साइटेड था, लेकिन यहाँ बहन की शॉपिंग के लिए एकदम एस्केलेटर पे आगे आगे जा रहा है कुर्ता पहन के। जैसे लग रहा है जवान हो गया मैं हमेशा। और अंदर गया, पसंद खुद ही किया था, और देखो खुद ही थैला लेके जा रहा है इस बार। कभी भी आप नोटिस करना, और भी शॉपिंग व्लॉग है, किसी में भी ये लड़का थैला नहीं पकड़ा हुआ है। और जल्दी जल्दी इसको जाना था, मेरे से आगे आगे भाग रहा था। लेकिन प्यारा लग रहा है मुझे इस कुर्ते में, ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा फील आ रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। हो गया, तो इसके बाद हम फ्रेंड के घर चले गए। देख, बेड पे ही आ जाओ, आराम से आ जाओ। अच्छा 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 तो किससे बात करनी थी वैसे? तुम्हें हंसी क्यों आ रहा है? हाँ। अच्छा, कोई नहीं सर, मैं करता हूँ आपको कॉल, फ्री हो गया ना? तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? नैतिक को कौन सा अच्छा लग रहा है? बांधने आता है तुमको लल्लू? आता है, जैसे भाई वैसी बहन है। सूट क्या ही ये सब अकेले रह गए ना, लेने जा रहे हैं आप मुझे ये। थोड़े दिन के बाद ये अपने आप अकेले चले आएंगे जाएंगे। हाँ नहीं, ये बात बोले हैं कि कल जा रहे, कभी राखी है, आज थक गई, सच में सर में अभी तेल लगा है एकदम से। भाई भी उठा, तुम भी खिलाओ। प्रणाम कौन किसको करेगा? अब किसी को नहीं, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, बहन है, दोनों बहन लक्ष्मी होती है, करो प्रणाम। नहीं नहीं ठीक है, नहीं करे गिफ्ट तो कोई बात नहीं, यही भाई है। स्पेशली आप बोले ना नहीं बांधे हैं, इसलिए मैं इनको जबरदस्ती लेके आई हूँ। सच में नहीं बांधे किसी को। मैं भी थोड़ा सा ना लेट गया था, मैंने कहा छुट्टी है। नैतिक तो राखी बंधवा लिया, और अब इसके बाद ये दोनों अंदर चले गए थे, पार्टी कर रहे थे। अभी दिखाती हूँ, भाई बहन दोनों। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बंधवा रहे हैं, तो वही बातें कर रहे हैं, कंप्लेन कर रही है मेरी फ्रेंड की। हमारे पास आने नहीं देते हैं ऐसा, तो बोले मैं तो नहीं रोक रखा हूँ, पार्टी हो रही है नैतिक की। अरे रील हाँ।
हे गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ और अभी 6 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा करूँगी, फिर मेरा भाई आएगा तो मैं भाई को राखी बांधूँगी, फिर मैं बेटे की जो बहन सब हैं वो सब अभी ही बांधेंगे, क्योंकि बिहार में आज ही मना रहे, तो इस वजह से तो वो सब आएंगे। तो अभी फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे थोड़ा खाना बनाना है, काम करना है, और मेरे बेटे का भी स्कूल है, तो स्कूल भी जाएगा, तो उसके लिए भी जल्दी जल्दी तैयारी करना है, लंच बनाना है, तो अभी 1 घंटे के अंदर बहुत सारा काम है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ, उसके बाद मैं घर आ गई थी और ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं अपने भाई के लिए, देख रहे हो आप, फ़ोटो जो होता है जिसमें राखी ब्रो बना हुआ है, वो बनवाई थी ऑनलाइन, तो वही मैं रखी हूँ यहाँ पे। अब मैं अपने भाई को राखी बांधूँगी सुबह में 6 बजे। और गाइज, मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि मेरा गला फंसा हुआ है, फिर भी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा लेट ना हो राखी ब्लॉग, क्योंकि मैं कल ही मतलब अपलोड करने वाली थी, लेकिन कल पूरे दिन मतलब सब आते ही रह गए तो मैं नहीं कर पाई, तो इस वजह से आज जल्दी से मतलब वॉइस ओवर करके फिर मैं सोच रही हूँ। यहाँ टीका लगा रही हूँ, इसके बाद मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ लग रहा है। कल मैं 2:30 बजे सोई, फ्रेंड के यहाँ से 9 बजे आई, फिर कहीं और गए हम लोग, फिर वहाँ से 12:30 में आए, फिर घर का काम करना था, घर का काम तो करना ही होता क्योंकि अगले दिन था। उसके बाद मैं 4 बजे सुबह ही उठ गई, 2:30 बजे सोई, 4 बजे नींद भी नहीं आया एकदम टाइम से, 4 बजे उठ गई। इसके बाद फिर खाना वाना ये वो सब और भी आएंगे ना, तो उस वजह से सारा तैयारी करना होता है, तो हाउसवाइफ की जिम्मेवारी जो होती है वो तो करना पड़ेगा एक मम्मी की। तो घर में अगर कोई और वीमेन हो तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, लेकिन जो अकेली है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे, मुश्किल क्या है, मतलब यही त्यौहार सब है, थोड़ा सा रंग ला देता है, नहीं तो ऐसा होता है डेली डेली तो बिजी लाइफ एकदम अपने काम में ऐसे इंसान बिजी ही रहता है, लेकिन ऐसे मौके पे मिल लेता है सबसे, मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा मन भी रिफ्रेश हो जाता है। मुझे बहुत पसंद आता है त्यौहार, और मैं सारे त्यौहार आप देखते ही हो मन से बहुत ज़्यादा मनाती हूँ, जितना हो पाए अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, और बहुत खुशी मिलती है। बाकी गला ठीक हो जाए तो वॉइस ओवर करती तो लेट हो जाता। और अब यहाँ पे मैं भाई को राखी इसलिए जल्दी जल्दी बांधे क्योंकि एक और बहन है हमारी, तो उनके पास इसको जाना था, तो इस वजह से 7 बजे तक का ही मुहूर्त था इस वजह से। और यहाँ पे नैतिक की दीदी हैं, 2 आई हुई हैं, तो वो राखी बांधे, इतना मतलब बिजी में ये जल्दबाजी में राखी बांधा है, 7:00 के कुछ मिनट तक का ही मुहूर्त था, नैतिक का ड्यूटी था, नैतिक को स्कूल भी जाना था और मतलब राखी भी बंधवाना था, दौड़ भाग में एकदम जल्दी जल्दी ये लोग भी आए और राखी बांधे। 2 साल से नहीं आ रहे थे, नैतिक बहुत वेट कर रहा था, लेकिन इस बार नैतिक बहुत खुश है, देखो इतने स्पीड में राखी बांध रहा है, कोई मतलब वो नहीं है। जल्दी से मेरे हस्बैंड गए, फिर बाइक से लाए थे जल्दी से, क्योंकि यहीं पे और भी हमारे रहते हैं सब, तो वो भाई सब भी हैं इनके, तो वहाँ पे भी राखी बांधे थे, फिर यहाँ आके राखी बांधे नैतिक को, और इसके बाद नैतिक को स्कूल छोड़ने ये इधर जो है नैतिक के भैया है वो चले गए थे, मैं तो नहीं जा पाई थी, फिर नैतिक स्कूल चला गया था अभी, लेकिन राखी बंधवा के खुश है बच्चा। इसे खाना भी खिलाना था, लंच भी बनाना था बीच वाले टाइम पे, तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं काम की, उस टाइम सूट नहीं कुछ कर पाई। एंड इसके बाद ये छोटी सी, सबसे छोटी प्यारी बहन है, वो दिन में आए थे जब नैतिक स्कूल से आ गया था, उसके बाद आई थी, तो देखिए यहाँ पे ये तो छोटी है, अपने मन से ही करेंगी। साइड में टीका नहीं लगा रही थी कि मेरे हाथ में लग जाएगा, अब पहले से राखी बांधने के लिए एक्साइटेड थी, अब यहाँ पे बोल रही है नहीं क्या बांधे। अब फिर बांधने चली गई। काफ़ी छोटी हैं ये, 4 साल की है, तो मतलब जैसे जैसे मन हो रहा था तो बांध रही थी, अब छुओ मत इसको, बाल को छू ली तो नोच के फेंक दी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, खेली भी नैतिक के साथ बहुत देर। तो सो गाइज, राखी तो मन गया हम लोग का, और मैं भी राखी बांध ली हूँ, और नैतिक को भी सभी बहन आकर के राखी बांध ली, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब लॉकडाउन था ना तो बहन से एक दो बार नहीं मिल पाया, बहुत मतलब सैड रहता था, मुझे बोलता था पहले तो मुझे इतना इतना राखी बनता था, अब ऐसे कम हो गया ये सब, तो इस बार वो सभी बहन से मिल ली तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी हालत देखो,
आजकल मैं इतना बिजी चल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा इतना बिजी कैसे मतलब हो गई। लॉकडाउन से पहले जो लाइफ था वो सब नॉर्मल हो गया है, तो उस वजह से। और लॉकडाउन से पहले भी बिजी इतना रहती थी, बट उस टाइम पे क्या था, यूट्यूब नहीं था। अब प्लस यूट्यूब भी है, मेहंदी भी नहीं लगा पाई मैं इस बार राखी में। मैं कोशिश कर रही थी कि लास्ट लास्ट तक लगा लूँगी, लेकिन नहीं, टाइम नहीं मिल पाया मेहंदी लगाने के लिए भी। कोई बात नहीं, जब मन होगा तब बीच में ही लगा लूँगी ऐसे ही। और तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्यों क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे राखी बनाएं, और वीडियो अगर पसंद आए, गला भी फंस रहा है, वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।